है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है WHO के तरफ से, और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है IATA के तरफ से, उन्होंने भी कहा है कि भाई जो भी आदमी यात्रा करना चाहता है एक देश से दूसरे देश के लिए, उनमें ढील दी जाए। पूरी बात क्या है दोस्तों मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। WHO ने सख्ती के साथ कहा है कि जो भी देश दूसरे देश को बैन कर रहा है फ्लाइट को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, इसको न किया जाए, ट्रैवल को खोला जाए, जो यात्री है उनको यात्रा करने दिया जाए, जो जहां जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। WHO ने यह भी कहा है कि जो आदमी वैक्सीन लगाया है या नहीं लगाया है, गौर से सुनिएगा भाई, ये बहुत ही बड़ी बात कहा है कि जो आदमी वैक्सीन लगाया है नहीं लगाया है, वो भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, यानी यहाँ से वहाँ यात्रा कर सकता है। मिसाल के तौर पे इंडिया से अगर सऊदी आना है तो वो जा सकता है वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। लेकिन उसमें अगर जो आदमी वैक्सीन नहीं लिया है उनके लिए कहा गया है कि उनको क्वारंटाइन न किया जाए, हाँ उसको PCR टेस्ट है वो करा लिया जाए और जो रैपिड टेस्ट है वो करा लिया जाए। लेकिन जो आदमी वैक्सीन ले लिया है उनको हर चीज़ से बड़ी किया जाए, जैसे क्वारंटाइन या PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट, जो भी टेस्ट है इन सब से उनको बड़ी किया जाए, यानी उनको छोड़ा जाए, उनको कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। और कई सारे गाइडलाइन जो बहुत सारे लोग बनाए हैं, बहुत सारे देश बनाए हैं, उन पे कहा गया है कि उस गाइडलाइन को गौर करें और उसमें कुछ यानी बदलाव करें, चूँकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने अपने तरीके से गाइडलाइन बनाया है और यात्री, बहुत सारे यात्री हैं जो कंफ्यूज है कि मैं किस देश में जा रहा हूँ, उस देश के बारे में मुझे पता नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई घूमने ही जा रहा है किसी देश में, वहाँ के बारे में उनको पता नहीं है कि वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस बात पे जोर दे के WHO ने कहा है कि इन नियमों को हटाया जाए, खारिज किया जाए और यात्री को आसानी से कहीं भी यात्रा करने के इजाज़त दी जाए। तो इससे मुझे लगता है दोस्तों कि काफ़ी सारे जो देश है उनको ये बात समझ में आ जाएगा कि जो गाइडलाइन है उसमें ढील दिया जाए, जो PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट मांगता है बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ आने के लिए, उनमें कुछ ढील दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन में इस पे गौर किया जाएगा। बहुत सारे देश हैं जो अपने अपने तरीके से नियम बनाए हुए हैं कि आप अगर हमारे देश में आते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, आपको ये करना पड़ेगा, तो इस सब से छुटकारा मिल सकता है यात्री को। बहुत सारे देश हैं ऐसे जो बताते हैं कि अगर इस चीज़ को बैन हटा देंगे, फ्लाइट अगर हम आना जाना नॉर्मल कर देंगे तो हो सकता है कोरोना बढ़ जाए। तो इसी पे WHO ने कहा है कि WHO ने एक सर्वे किया जिसमें 16-17 लाख आदमी को उन्होंने यात्री को PCR टेस्ट किया, जिसमें से 20,000 आदमी ही यानी संक्रमित पाए गए। तो ये बताता है कि WHO पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से जो बैन लगा हुआ है एक दूसरे देश पे इसको हटाया जाए, और काफ़ी हद तक हट भी चुका है। कहीं कहीं ऐसा है जैसा सऊदी ने इंडिया को बैन कर रखा है या पाकिस्तान को, तो यही कुछ एक दो कुछ चुनिंदा देश है जो बैन कर रखा है, बाकी काफ़ी सारे देश है जो खोल दिया है किसी भी तरह से एयर बबल के नाम पर या जैसे भी, लेकिन ओपन किए हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्ता 10 दिन में इस पर हर देश अपना अपना जो गाइडलाइन है उस पर समीक्षा करके कुछ तो यानी ढील दे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक जानकारी थी, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया। और चैनल को प्लीज़ आपका काम है सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।